नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहिनी कुशवाहा। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी। पिछले दिनों ख्याला इलाके में एक हिंदू युवक अंकित की मुस्लिम परिवार ने सरेआम गला काटकर हत्या कर दी थी, जिसकी आज 13वीं पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब परिवार ने पूछा कि आप परिवार की क्या मदद कर रहे हैं, इस शोक सभा में आए हुए लोगों के सामने ऐलान करें, तो केजरीवाल जी वहां से दौड़ गए। वहीं समर्थकों ने माइक तक के तार को तोड़ दिया। सुनिए। आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिसने किसी भी रूप में किसी भी तरीके से इस परिवार का सहयोग किया है, सहायता की है और सपोर्ट किया है। सर, आज पूरे 12 दिन हो गए हमारे भाई को एक अच्छी जगह गए हुए और हम लोग इस बुरी जगह में हैं। हमें इस परिवार को हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया है, कोई भी चीज किसी भी तरीके से क्लैरिफाई नहीं की गई है। इसमें मैं बहुत 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 बड़ा धन्यवाद करता हूं दिल्ली पुलिस का, जो हर कदम हर तरीके से हमारे साथ रही और इस सिचुएशन को, इस केस को पूरी गंभीरता से लेके इस पूरे इलाके को संभाल के रखा। लेकिन सर, आज भी वही तीन क्वेश्चन उठते हैं हमारे माइंड में हम लोग। एक, आज एक बहुत दुखद घड़ी पर के इस परिवार का जो केयर टेकर अर्निंग हैंड, अब वो यहां नहीं है, तो इस परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरा, आश्वासन मिल रहा है, क्लैरिफाई कहीं से नहीं मिल रहा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अब इस परिवार का जिम्मेदार कौन है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे हैं, सांसद महोदय भी हैं, विधायक जी भी हैं, हमारे तीनों नेता हैं, और हम अगर आज अपने नेताओं के ऊपर आगे नहीं देखेंगे, किसके आगे देखेंगे? तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे भी पूछूंगा मैं कि परिवार के लिए क्या किया जा रहा है। मैं आपसे खुद इस चीज के लिए पूछूंगा कि परिवार के लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है और क्या आर्थिक मदद, क्योंकि जीवन यापन करना है परिवार को पूरा, और आप हमारे दिल्ली के मुखिया हैं, तो आपके आगे हम नहीं आएंगे तो किसके आगे आएंगे? तो वो जवाब मैं आपसे चाहूंगा। और यहाँ घोषणा कीजिए, मैं चाहूंगा कि आप ये सहायता जो है परिवार को आर्थिक रूप से हमारे दिल्ली के मुखिया की तरफ से मिल रही है, हमारे सांसद महोदय भी है, विधायक महोदय भी है, तो मैं चाहूंगा, क्योंकि राजनीति नहीं चाहिए, हमें तो जो है समाधान चाहिए कि समाधान हो। आश्वासन बहुत मिले हैं, परिवार से मिला तो पीछे भी आके आश्वासन मिलते रहे हैं। तो आश्वासन तो नहीं, मैं नागरिक होने के नाते, हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ मुख्यमंत्री से, उन्हीं की दिल्ली का निवासी हूँ, ये मेरा हक है कि मैं पूछूं। मैं समझता हूँ ये शोक सभा है और शोक प्रकट करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। मुझे लगता है कि ये इस तरह से इसको राजनीति में नहीं करना चाहिए। मेरा राजनीति का कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक नहीं, कोई राजनीति का नहीं है। जो भी सनातन हिंदू का राजनीति दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, उसके नाते आपसे सवाल किया है कि मैं परिवार के संपर्क में हूँ और परिवार को जिस भी तरह की जरूरत होगी उससे दो कदम आगे बढ़ के हम देंगे। और मैं यहाँ पे कोई राशि के ऊपर वाद विवाद हो इसका मैं नहीं चाहता। और
बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल है कि वो हो जाए कि जीवन यापन कैसे होगा उसके लिए, और कुछ नहीं है उसके अलावा कि कैसे होगा वो? आज से पहले सो काम है मिस्टर केजरीवाल। मैंने तो समझा जी है मिस्टर केजरीवाल, तो मुझे नहीं पता इसकी आवाज इतनी तेज है। उससे कुछ बोला सब जने हिल गए। मैंने उनको एक ही लाइन कहने थी, अगर वो देखते तो मिस्टर केजरीवाल आप मुझ गरीब से गेम मत खेलना। के सामने एक सबूत हो जाता कि भाई मेरे साथ गेम मत खेलना, करना है तो ईमानदारी से कर देना। जो आश्वासन जो हमारे बच्चे ने कहा ना बार बार आश्वासन आश्वासन, ये हर बार ही हो रहा है। आप सबके सामने मैं कहता हूँ, शायद मुझे आप सबका भी साथ है, तो ये कुछ इतना गलत नहीं होता मेरे ख्याल से। शायद कोई पता नहीं है जो भी। अगर यही कोई हिंदू ना होकर किसी और धर्म का होता तो केजरीवाल पहले ही दिन मुआवजे का ऐलान करते, मगर आज केजरीवाल के दिल में हिंदू के खून की क्या परवाह नहीं है। मगर ये क्लार्क या कोई और होता तो तुरंत 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान कर देते। वाह केजरीवाल जी वाह।